समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश की सियासत के दिग्गज नेता रहे मुलायम सिंह यादव का आज सुबह निधन हो गया। 82 वर्षीय नेताजी ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में सोमवार की सुबह अपनी अंतिम सांस ली। नेताजी यूरिन संक्रमण, ब्लड प्रेशर की समस्या और सांस लेने में तकलीफ के चलते पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। मुलायम सिंह यादव ने अपनी राजनीति की शुरुआत के डिग्री कॉलेज के पहले छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में की थी। इसके बाद सहकारी बैंक के अध्यक्ष, सहकारिता मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सांसद और फिर देश के रक्षा मंत्री बने। 22 नवंबर 1939 में सुघर सिंह यादव के बेटे के रूप में मुलायम सिंह यादव ने जन्म लिया। शुरुआती शिक्षा गांव के परिषदीय स्कूल में हासिल की। 6ठी से 12वीं तक की शिक्षा उन्होंने करहल के जैन इंटर कॉलेज से हासिल की और बीए की पढ़ाई के लिए वो इटावा पहुंचे। इटावा में केकेटीसी कॉलेज में एडमिशन लिया और रहने के लिए जब बेहतर आसरा नहीं मिला तो कॉलेज के संस्थापक हजारीलाल वर्मा के घर में ही रहने का ठिकाना बना लिया। 1962 के इस दौर में उत्तर प्रदेश में पहली बार छात्र संघ के चुनावों की घोषणा हुई और राजनीतिक रुचि रखने वाले मुलायम सिंह यादव ने यह मौका अपने हाथ से नहीं जाने दिया और चुनावों में ताल ठोक दी। वह छात्र संघ के पहले अध्यक्ष बन गए। यहीं से राजनीति की शुरुआत करके एक युवा नेता के रूप में उभर कर मुलायम सिंह यादव सामने आए। अगर शिक्षा की बात करें तो मुलायम सिंह यादव ने अपनी एमए की शिक्षा लेने के लिए शिकोहाबाद के डिग्री कॉलेज में प्रवेश लिया। एमए करके करहल के जैन इंटर कॉलेज से बीटी की ओर से कुछ समय तक जैन इंटर कॉलेज में बतौर शिक्षक काम किया, पर राजनीतिक दिलचस्पी रखने वाले मुलायम सिंह यादव यहां भी चुप नहीं बैठे। मुलायम सिंह यादव की विधायक नत्थू सिंह से नजदीकियां काफी बढ़ गई थी। विधायक नत्थू सिंह ने 1967 में विधानसभा चुनाव में जसवंतनगर सीट से अपनी सीट छोड़कर मुलायम सिंह यादव को सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ाया और किस्मत के धनी मुलायम सिंह यादव महज 28 साल की उम्र में ही विधायक बन गए, जिसके बाद उनके राजनीतिक सफर की एक लंबी शुरुआत हो गई। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।